हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोरी स्टडीज़। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ स्टोरी टेलिंग इन इंग्लिश विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। और साथ ही मैं ये स्टोरी के आपको मॉरल्स भी बताऊँगी, यानी कि जो ये सीख देगी मैं आपको वो भी अच्छी तरह से समझाऊँगी। तो आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, पंडोरी स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बड़े या छोटे भाई बहनों के साथ ये स्टोरीज़ ज़रूर इंजॉय कीजिए। आज का हमारा वीडियो लेक्चर का टॉपिक है, यानी स्टोरी का नाम है द म्यूजिकल डंकी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको बहुत अच्छी सीख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी। ये स्टोरी है एक डंकी की, यानी कि एक गधे की, जिसका नाम है उधाता। अ थिन डंकी हु वॉज स्टार्वड बाय हिज ओनर अ लोकल फिशरमैन वेंट इन सर्च ऑफ फूड विथ हिज फ्रेंड अ जैकल। एक बार की बात है, एक उधाता नाम का गधा जिसका मालिक एक मछुआरा था, वो अपने दोस्त के साथ, मतलब वह गधा अपने दोस्त जैकल यानी कि गीदड़ के साथ खेतों में आसपास खाने की तलाश में निकला। अ पेयर वंडर्ड अराउंड द विलेज इन द मिडिल ऑफ द नाइट। आधी रात को ये दोनों ही जैकल और गधा यानी कि डंकी घूम रहे थे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ फाइंडिंग दे फाइंड अ कुकुम्बर फील्ड। इन लोगों ने बहुत देर ढूंढा कि कहाँ हमें कुछ खाने को मिल जाए। चलते चलते फिर इन्हें एक खेत दिखा जहाँ पर ककड़ी लगी हुई थी। दैट नाइट दे ट्रूली रियलाइज्ड देयर मील एंड डिसाइडेड टू पे अ विजिट टू द कुकुम्बर फील्ड एवरी नाइट। जो उसका पहले फिशरमैन था, जो उसका मालिक था, वो तो एक गरीब बेचारा था, तो इसलिए वह उसको कम खाना देता था। आज इन लोगों ने पेट भर के खाना खाया और फिर डिसाइड किया कि हम दोनों यहाँ हर दिन खाना खाने आएंगे। उधाता इवेंचुअली बिगेन टू लुक मच हेल्दियर एंड वॉज एबल टू पिक अप मोर लोड। कुछ ही दिनों में रोज ऐसे खाना खा खा के उधाता यानी कि जो गधा था वो बहुत हेल्दी हो गया और भी ज़्यादा लोड उठाने लगा। पहले भी उसका जो मालिक था, फिशरमैन जो था, वह उससे बहुत सारा बोझा ढुलाता था, लेकिन तब उसके पास इतनी ताकत नहीं होती थी, लेकिन अब उसके पास हेल्दी हो गया था वो, तो उसके पास ताकत भी आ गई थी। वंस आफ्टर एन एपेटाइजिंग एंड होलसम मील ऑफ कुकुम्बर द डंकी इंसिस्टेड ऑन सिंगिंग। एक बार उसने अच्छे तरह से खाना खा लिया सारे कुकुम्बर मतलब ककड़ियों के खेत से, और उसके बाद उसका मन किया तो वह खुशी खुशी एक गाना गाने लगा। नोइंग दैट दिस वॉज फुलिश जैकल एडवाइज हिम अगेंस्ट द सेम बट द स्टबर्न डंकी रिफ्यूज टू लिसन टू हिज फ्रेंड। गाना गाने लगा तो उसको गधे की आवाज़ तो कैसी होती है, तो उसका जो दोस्त था उसने उसे बोला कि आप ये मतलब तू ऐसा गाना वाना मत गा क्योंकि तेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। तब उसने बोला, मतलब वो ज़िद्दी था गधा, उसने उसकी सुना ही नहीं, उसे इग्नोर कर दिया और गाना गाने लगा। इवन वैन द जैकल टोल्ड द डंकी दैट हीज वॉइस वॉज नॉट एग्जैक्टली स्वीट उधाता डिसमिस्ड हीज कमेंट थिंकिंग दैट द जैकल वॉज जेलस। उसने बोला कि तेरी आवाज़ इतनी मीठी भी नहीं है जो तू ऐसा गा रहा है, लेकिन फिर भी उधाता ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और उसको लगा कि उधाता ने सोचा कि ये मेरी आवाज़ से मुझसे जल रहा है, ऐसा सोच के वहाँ फिर से गाता ही रहा। ही टोल्ड द जैकल दैट ही वॉज हैप्पी एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सप्रेसिंग वंस हैप्पीनेस। उसने उस गीदड़ से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर मैं अपनी खुशी को ऐसे गाकर एक्सप्रेस कर रहा हूँ। वंस अगेन द जैकल वॉर्न हिम ऑफ हिज फुलिश बिहेवियर ऑफ ब्रिंगिंग ट्रबल अपॉन हिमसेल्फ बाय डिस्टर्बिंग द गार्ड्स। हाउएवर द फुलिश डंकी वुड नॉट बज। एक बार फिर से गीदड़ ने उसे समझाया कि ऐसा बेवकूफ़ों वाली हरकतें ना करे, क्योंकि इस हरकत की वजह से हम दोनों ही ट्रबल में आ जाएंगे, यानी कि परेशानी में आ जाएंगे। अगर गार्ड को डिस्टर्ब होगा तो खेत का जो गार्ड है वह उठ जाएगा। पर भी इसके बावजूद भी वो जो डंकी था वो इतना मूर्ख का था कि उसने वह टस से मस नहीं हुआ। व्हेन द डंकी स्टार्टेड अप टू सिंग द जैकल इंटरप्टेड एंड आस्क्ड द डंकी टू वेट अंटिल द जैकल जम्प्स ओवर द अदर साइड ऑफ द फेंस फॉर हिज ओन सेफ्टी। उसको ये सब समझाने के बाद भी जब डंकी ने गाना बंद नहीं किया और गाता ही रहा, तो उसे उस गीदड़ ने कहा कि तू मैं तेरा फेंसिंग के बाहर वेट करता हूँ
तेरा हो जाएगा तो तू आ जाना, उसने अपनी सेफ्टी कर लिया। द जैकल डिसाइडेड टू वेट आउटसाइड। ऑन हियरिंग द लाउड बियरिंग नॉइज मेड बाय द डंकी द गार्ड नेचुरली अवॉक फ्रॉम हिज स्लम्बर। जैकल ने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसके बाहर में तुम्हारा वेट कर लूंगा, और वो वहां जाके खड़ा हो गया। पर जो डंकी की गंदी सी आवाज़ थी, वह उसकी नॉइस भरी आवाज़ सुनकर, इरिटेटिंग आवाज़ सुनकर वो गार्ड उठ गया अपनी नींद से। व्हेन ही स्पॉटेड उधाता ही कॉल्ड हिज फ्रेंड टू बीट डंकी। ऑल दे ऑल बीट हिम बैक एंड ब्लू मर्सलेसली। उसने जैसे ही उधाता को देखा, उसने अपने दोस्तों को कॉल करके बुला लिया और वो सभी आ गए उधाता को मारने। He did not hold back whatsoever and channeled all of his anger on to the donkey who was truly regretting not taking his friend's advice. जो सारे जो गार्ड था वो अपने साथ लकड़े फाटे लेकर आया और उन सब से उसने अपना सारा जो गुस्सा था कहीं और का ही, अपने किसी मालिक वालिक का गुस्सा रहा होगा उसे, उसने वो भी डंकी को मार मार कर, जो बहुत इरिटेट कर रहा था उसको मार के अपना गुस्सा भी निकाल लिया। और डंकी सच में ही बहुत ही बेवकूफ़ था जो अपने दोस्त की बात नहीं सुन रहा था। वंस ही वॉज डन द डंकी कुड बेयरली मूव। जब उन लोगों ने उसको इतना मार दिया कि बेचारा डंकी ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। येट ही समहाउ डिग्रेड हिज लिम्प बॉडी आउट ऑफ द फील्ड वेयर द जैकल हैड बीन वेटिंग फॉर हिम। हिज फ्रेंड हैड अ सिंपथेटिक लुक ऑन हिज फेस एज ही सैड आई टोल्ड यू सो। किसी तरह से वह अपनी बॉडी को और उस पत्थर को खींच कर लेकर आया जो पत्थर उन लोगों ने उसके गले में बांध दिया था। किसी तरह से वो उस पत्थर के साथ अपनी बॉडी को खींच कर लेकर आया खेत के बाहर, और जहाँ पर उस खेत के बाहर उसका फ्रेंड उसका वेट कर रहा था। उसके फ्रेंड ने उसे देखा बहुत सिंपथेटिक लुक के साथ और बोला कि मैंने तो तुम्हें कहा ही था। सो गाइस, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है, थिंक बिफोर यू एक्ट। मतलब ये है कि करने से पहले आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, कहीं आपको इससे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचता, ठीक है। सो गाइस, ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स के लिए पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू मंडोले स्टडीज़। थैंक यू।